हिडन मैन फूड चैलेंज। नांदेड़ नाम के गांव में तिवारी नाम का व्यक्ति रहता था। वो अपने ग्रुप के साथ शादियों में शहनाई बजाता था और उसके असिस्टेंट्स ढोलक और तबला बजाते थे। इस तरह पैसे कमाकर वो गुजारा करता था। उसी गांव में चौधरी नाम का एक धनवान रहता था। उसे पैसों का बहुत घमंड था। उसकी सुंदर सी बेटी थी, नाम था महिता। एक दिन एक युवक चौधरी के घर आया। तब चौधरी वहां के गांव वालों के साथ बात कर रहा था। चौधरी साहब, मेरा नाम वीरेन चौधरी है, मैं पास वाले गांव में रहता हूँ। हम भी आप ही की तरह धनवान हैं। मैं आपकी बेटी महिता से शादी करना चाहता हूँ, इसीलिए आपके पास आया हूँ। चौधरी अपने मन में इसकी ये हिम्मत यूं सबके सामने आकर पूछता है। वैसे मैं अपनी बेटी की शादी मुझसे ज्यादा धनवान से करूँगा, मेरे समान धनवान से नहीं, यूं सोचकर। हाँ जरूर बेटा, पर तुम्हें मैं जो शर्त रखूंगा उसमें तुम विजयी होना चाहिए। वो बहुत ही आसान सा है। मैं तुम्हें जो ड्रम दिखाऊं उसमें अपने तालाब से पानी भरना होगा। शर्त हार गए तो सिर मुंडवाना होगा, ठीक है? ये कौन सी बड़ी बात है, चलिए चलते हैं। यूसुफ तालाब के पास गए। देखो बेटा, उस ड्रम में इस घड़े से पानी भरना होगा, चलो हो जाओ शुरू। वीरेन ने घड़ा उठाया और पानी में डुबोया, फिर उस पानी को ड्रम में भरने लगा। पर ड्रम में छेद था तो पानी बाहर निकलने लगा। यूं उसमें घड़े भर भर के पानी डालने लगा, पर फिर भी पानी नहीं भर रहा था। ये तो अन्याय है, छेद वाले ड्रम में पानी भरने का क्या फायदा, वो तो कभी भी नहीं भरेगा। अरे मूर्ख, मैंने ड्रम भरने को कहा था। कैसा ड्रम, ये ना तूने पूछा और ना ही मैंने बताया। तुम शर्त हार गए, अब इस गांव की तरफ नजर भी उठाकर मत देखना। अरे सुनो, इसका सर मुंडवा कर भेज दो इसे। इस तरह वो सिर मुंडवा कर गांव से चला गया। एक बार एक शादी में शहनाई बजाते हुए तिवारी को चौधरी ने देखा। लोग तिवारी की खूब प्रशंसा करते हुए ताली बजाने लगे तो चौधरी को बहुत गुस्सा आया। बाद में अपने मोबाइल फोन को हाथ में लेकर, भाई बात सुनो, तुम बहुत बढ़िया बजाते हो, मैं तुम्हें 10,000 रुपए देना चाहता हूँ इनाम, जरा अपना फोन नंबर देना। वाह आप कितने अच्छे हैं, आप गूगल पे करेंगे या पेटीएम, कुछ भी हो चलेगा, मेरा नंबर है 9849098 49। बाद में चौधरी का मैसेज मोबाइल में देखा तो एक रुपए का बंडल का फोटो था, उसने व्हाट्सएप में भेजा हुआ था। ये क्या सर, आप पैसे भेजने की जगह पैसों का फोटो भेज रहे हैं? ए मैंने पैसे भेजूंगा कहा था, ये नहीं कहा था कि सचमुच का पैसा या फिर फोटो। मंद बुद्धि नालायक, ऐसा कहकर उसे अपमान करके वहां से चला गया। तिवारी को बहुत गुस्सा आया। एक बार चौधरी का आदमी गांव में नोटिस चिपकाने लगा। उसने लिखा था, प्यारे गांव वालों, मैं जो मुकाबला करा रहा हूँ उसमें जो विजयी होगा उससे मेरी बेटी की शादी कराऊंगा। तिवारी वो पढ़ रहा था कि एक व्यक्ति, अरे बाप रे, लगता है कि ये इस बार किसी और को बकरा बनाने वाला है, कोई इस मुकाबले में भाग ना ले भैया। पर जब तिवारी चौधरी के घर पहुंचा तो वहां पहले ही दो और युवक खड़े थे। ये क्या, सिर्फ 3 लोग आए हैं? ठीक है, शर्त ये है कि आपको बिरयानी खाना है, जो पहले खाएगा उससे मेरी बेटी की शादी होगी। बाद में उन 3 को गर्दन तक जमीन के अंदर गाड़ दिया। उनके सामने चिकन और मटन बिरयानी भी रखा था। ये तो अन्याय है, अरे जमीन में गाड़ दिया और कहते हैं कि बिरयानी खाओ, कैसे खाएंगे? ये तो शर्त है भैया, चलो चलो कोशिश करो। उन्होंने बहुत कोशिश की पर बिरयानी तक नहीं पहुंच पाए। तब तिवारी ने मुंह से जोर से सांस खींचा, बस बिरयानी उछलकर उसके मुंह में जा गिरा। ये देखकर सब हैरान हो गए। बाद में तिवारी, चौधरी जी मैं जानता हूं कि आप अपने मनोरंजन के लिए हम सबका ये मुकाबला करा रहे हैं, मेरे शहनाई बजाने के कारण सांस खींचने की शक्ति बढ़ गई है, इसीलिए बिरयानी खा पाया। आइंदा यूं किसी का आप अपमान ना करें। गलती हो गई बेटे, अब कभी ऐसी बात नहीं करूंगा। इस तरह तिवारी और महिता की शादी खूब धूमधाम से हुई। स्कूटर जनरेटर। एक गांव में रमेश और सुरेश नाम के 2 मित्र थे।
रमेश इलेक्ट्रिसिटी लाइनमैन का काम करता था। सुरेश की कोई नौकरी नहीं थी तो वो एक पुराने स्कूटर में घूमता रहता था। एक दिन रमेश, अरे भाई सुरेश, कहीं नौकरी क्यों नहीं कर लेते? कम से कम शहर जाकर कोई कोशिश तो कर सकते हो ना। अरे तेरा क्या है, तुम्हारे पिताजी ने वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर तुम्हें ये नौकरी दिलवा दिया। मेरे पढ़ाई के लिए शहर में कोई नौकरी नहीं मिल सकती, सब मेरी किस्मत है। अरे यार तुम चिंता ना करो, मुझे एक बढ़िया उपाय सूझा है। अब किसी को कोई भी वस्तु, खाना, कपड़े या सेवा हो, उसे हम घर तक पहुंचाने वाले के सेवा आ गया है ना, इसी तरह हम भी घरों में बिजली सप्लाई कर सकते हैं। अरे तुम कह क्या रहे हो, मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रहा हूँ। हम घरों को बिजली सप्लाई करेंगे? वो तो पहले ही है ना। अरे यार वही तो पूरा स्कीम है, बिजली देना या काटना मेरे हाथ में है। तुम अपने स्कूटर को एक जनरेटर स्कूटर में बदल डालो, मैं जिस एरिया में बिजली काटूं तुम वहां जिसे चाहिए उसे बिजली दे देना, वो हमें पैसे दे देंगे, तब हम खूब पैसे कमा सकेंगे। बोलो कैसा है मेरा आइडिया? अरे ये तो बढ़िया है, तेरे जैसों की वजह से ही दुनिया में धोखाधड़ी और बेईमानी खूब चल रही है। हम कल से ही अपना धंधा शुरू कर देते हैं। इस तरह अपने स्कूटर को एक मैकेनिक की मदद से उसने एक जनरेटर स्कूटर में बदल दिया। उसे लेकर वो गांव में आया, तभी रमेश ने एक गली का बिजली काट दिया। ये बात उसने सुरेश को फोन पर बताया। तुरंत सुरेश उस गली में जाकर, बिजली ले लो, बिजली, ताजा ताजा बिजली, गर्मा गर्म बिजली, आपके घर के सामने ही बिजली, आपके घर के लिए बिजली, एक घंटे के लिए चाहिए या दिन भर के लिए, जितने देर चाहो उसे ले जा सकते हैं सर। टीवी देखना हो तो बिजली चाहिए, मिक्सी चलाना हो तो बिजली चाहिए, आओ भाई आओ, बिजली ले लो बिजली। तब सब उसके स्कूटर के पास आ गए। उनमें से एक व्यक्ति ने, ये करंट तुम सब्जी की तरह क्या बेच रहे हो, ऐसे पुकार क्यों रहे हो तुम? दूसरा, अरे रमेश को फोन किया तो उसने कहा था कि शाम तक बिजली नहीं आने वाली, मिक्सी नहीं चले तो हमारे घर में खाना नहीं पकेगा। एक और व्यक्ति, अरे टीवी बंद हो गया तो मेरी पत्नी बौखला जाएगी, जब तक बिजली ना आए तो वो हाथ में जो भी वस्तु मिले उसे उठाकर मुझ पर ही फेंकेगी। अरे बिजली ना हो तो गृहस्थी का बेड़ा गर्क हो जाता है सर जी, मेरा जनरेटर घंटे का 500 रुपए में है, कहिए किसे कितने घंटे के लिए चाहिए, जो ज्यादा देर के लिए लेगा उसे ही मैं पहला मौका दूंगा। इस तरह हर कोई मुझे चाहिए कहकर लड़ने लगे। आखिर में एक व्यक्ति ने शाम तक जनरेटर को बुक कर लिया, तो उसके घर के पास जाकर सुरेश ने जनरेटर को फिक्स किया। रमेश ने शाम को फिर बिजली ऑन किया। उस घर के मालिक ने सुरेश को पैसे दिए। पहले ही दिन पैसे देखकर दोनों दोस्त खूब खुश होकर नाचने लगे। इस तरह खेतों में मोटर पंप के लिए, शादी में डेकोरेशन लाइट्स के लिए जनरेटर सप्लाई करते हुए सुरेश बहुत पैसे कमाने लगा और बहुत बिजी हो गया। गांव में लोग सुरेश को फोन करके बुलाने लगे। एक दिन रमेश बिजली काट कर फोन पर, अरे सुरेश आज काफी मालदार लोगों की गली में बिजली काट दिया है, उनके पास बस पैसा ही पैसा है, उनसे ज्यादा पैसे ले लेना, मैं उनसे कह दूंगा कि शाम के 5 बजे तक बिजली नहीं आने वाली। ये सारी बातें वहां खेल रहे पाचू नाम के एक लड़के ने सुन लिया। पाचू तुरंत पुलिस स्टेशन गया और एसआई को सब कुछ बताया। शाबाश बेटा, तुम जैसे बच्चे अपने देश की शान है, अपने गांव में बार बार बिजली जाती है तो इसका कारण ये दोनों हैं। अगले दिन एसआई सुरेश को फोन करके, भैया हमारे स्टेशन में बिजली चली गई है और सारा काम रुक गया है, सारे कंप्यूटर भी बंद हो गए हैं, तुम तुरंत जनरेटर ले आओ। इस तरह सुरेश स्कूटर को लेकर पुलिस स्टेशन गया। बाद में उसने जनरेटर के कनेक्शन देकर स्विच बोर्ड को ऑन किया, फिर फोन पर रमेश से, अरे मूर्ख पुलिस स्टेशन में बिजली क्यों काटा, मैंने अभी यही जनरेटर लगाया है, पता नहीं पैसे देंगे भी या नहीं, तुम तुरंत करंट को ऑन कर दो। पर मैंने तो बिजली काटा ही नहीं, और जाने से पहले मुझसे पूछना चाहिए था ना, मूर्ख, कहकर उसे डांटा। ये सब बातें स्टेशन में एसआई उनके फोन को टैप करके पूरा सुन रहा था और कंप्यूटर में रिकॉर्ड कर रहा था।
बाद में सुरेश से, क्यों रे घनचक्कर, तुम दोनों का यह नाटक हम जान गए हैं। तुम दोनों का वॉइस रिकॉर्ड हो गया है, अब तुम दोनों बच नहीं सकते। यूं पुलिस ने उन दोनों को खूब मारा और जेल में डाल दिया।